नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में अगस्त और सितंबर महीने का पेंशन और पेमेंट और प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का जो भाषण था उसमें पूर्व सैनिकों से सीधे संपर्क रखने वाली एक घोषणा, उसके साथ ही साथ एमएसपी और एमएसईपी, इन चीजों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने पॉइंट लिख रखे हैं बोर्ड में। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, अगस्त और सितंबर का पे पेंशन समय से पहले मिलेगा, पर किनको मिलेगा दोस्तों? ये जो जानकारी है ये है केरला और महाराष्ट्र के पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के लिए। केंद्र के वित्त मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि ओनम और गणेश चतुर्थी के चलते अगस्त महीने का जो पेमेंट और पेंशन केरला वालों के लिए और सितंबर महीने का जो पेमेंट और पेंशन है वो महाराष्ट्र वालों के लिए समय से पहले दिया जाएगा। चलिए मैं आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिखाता हूं। दोस्तों ये जो वित्त मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो 14 अगस्त 2023 का है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक रिक्वेस्ट किया गया था वित्त मंत्रालय को कि केरला के जो पेंशनर्स हैं उनको ओनम के चलते पेंशन या पेमेंट, जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेमेंट जो है जल्दी दिया जाए अगस्त महीने का। तो वित्त मंत्रालय ने कहीं ना कहीं उस रिक्वेस्ट को माना है और देखिए यह आदेश जारी कर दिया, जो ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है। आगे आप दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों कि यह डिफेंस पेंशनर के लिए भी लागू है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ, इन व्यू ऑफ द ओनम एंड गणपति फेस्टिवल द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड दैट द सैलरी वेजेस पेंशन ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 मे बी ड्रॉन एंड डिसबर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इंक्लूडिंग डिफेंस पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन एज पर द फॉलोइंग डेट्स। यानी कि डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉयज को भी जो केरला के और महाराष्ट्र के हैं वो उनको इस तरीके से पेमेंट और पेंशन मिलेगा। केरला वालों के लिए दोस्तों अगस्त महीने का जो पेमेंट या पेंशन है 25 अगस्त को फ्राइडे पड़ता है उस दिन मिलेगा, और महाराष्ट्र वाले जो पेंशनर या एम्प्लॉयज हैं उनको 27 सितंबर को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र और केरला के जो एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों आप सबने अभी आदेश देखा जो वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ था और सभी को इस आदेश का कॉपी भेज दिया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा कि केरला और महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं केंद्र सरकार के, उनके लिए इंक्लूडिंग डिफेंस एम्प्लॉयज या डिफेंस पेंशनर्स के लिए भी ये एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं, क्योंकि समय से पहले उनका पेमेंट और पेंशन इस महीने और अगले महीने मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कमेंट ले लेते हैं दोस्तों। एक कमेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एमएसपी से जुड़ा हुआ कमेंट है जो कि एमजे चौधरी जी ने किया है। उन्होंने कहा है, हेलो, एमएसपी बराबर करने का केस चल रहा है, बढ़ाने का नहीं। अब दोस्तों मैंने एमएसपी से जुड़ा हुआ आज से 3-4 दिन पहले जो है एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 7th पे कमीशन में किस तरीके से रिकमेंडेशन में ये बताया गया था कि जेसीओ ओआर का जो जल्दी रिटायरमेंट होने का जो रीजन है उसको भी एमएसपी देने के लिए कारण माना गया था। तो इस वजह से जेसीओ जवानों का एमएसपी ज्यादा होना चाहिए, ये मैंने वीडियो बनाया था। अब उसमें ये जो कमेंट आया है कि एमएसपी बराबर करने का केस चल रहा है ना कि बढ़ाने का, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको 5200 रुपए एमएसपी अगर सभी का कर दिया जाए तो क्या आप खुश हैं? मैं तो खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सबका 15500 किया जाए। अगर मान लीजिए अफसरों का एमएनएस का कम करके 5200 कर दिया जाता है सभी के लिए, तो उसमें हमारा क्या फायदा? ये कोई जिद या कुछ नहीं है, ये एक फाइनेंशियल कंपेंसेशन है जो आपको आपकी जीवन की कठिनाइयों के लिए दिया गया है। तो ये किसी का कम करके हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बराबर, वो भी मैक्सिमम लिमिट पर, और वो अफसरों का है 15500, उतना कर दिया जाए सबके लिए। तो ये बढ़ोतरी ही हुई ना, बराबर किया जाए और बढ़ाकर किया जाए ना कि कम करके। ये जैसे कि क्या एमएसपी को सभी के लिए 5200 करके बराबर किया जाएगा या 15500 करके? आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि 5200 करके बराबर करना चाहिए या 15500 करके बराबर करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि 5200 नहीं चाहिए हमें, 15500 किया जाए, सबका बराबर किया जाए, यही उचित न्याय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीएम के 15 अगस्त के घोषणाओं में एक घोषणा सीधे सीधे पूर्व सैनिक और वीर नारियों के लिए फायदेमंद, 10,000 से बढ़ाकर 25,000 केंद्र, एक ऐसा योजना दोस्तों। हालांकि 15 अगस्त का जो भाषण था पूर्व सैनिकों के लिए बहुत आशाएं थी कि कुछ ऐसे डिक्लेरेशन होंगे, कुछ ऐसे घोषणाएं होंगे जो हम सभी के लिए फायदेमंद होंगे, वहां से कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं तो निकल के नहीं आई, लेकिन
एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसका सीधा लाभ आप भी उठा सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अब इसमें कई सारे पेंशनर्स ये बोलेंगे कि उसका कोई मतलब नहीं है, जब एमएसपी एमएसपी या ओआरओपी के विसंगतियों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला तो ये छोटी सी बात से क्या मतलब है। हालांकि दोस्तों वो बहुत बड़ा मंच है तो हो सकता है छोटी बातों को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जो घोषणा उन्होंने किया है कि 10,000 से बढ़ा करके अभी 25,000 केंद्र खोले जाएंगे वो क्या है, पहले प्रधानमंत्री जी के भाषण का वो छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया 15 रुपये 20 रुपये में दी, और आज देश में 1,000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सब ने सुना कि ये जो घोषणा थी ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से जुड़ी हुई थी, यानी कि आप अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलना चाहें तो एज ए पूर्व सैनिक, एज ए भूतपूर्व सैनिक या एज ए विडो पेंशनर आपको भी मौका मिल सकता है, और इसमें 2,00,000 रुपए तक का इंसेंटिव का भी प्रावधान है। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 1,000 केंद्र खोले जा चुके हैं, 10,000 का लक्ष्य था, अब इस लक्ष्य को 25,000 कर दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र जो है अब ज्यादा संख्या में देश में खोले जाएंगे, और उसमें कई सारे डिफेंस पेंशनर या जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको मौका मिल सकता है इस तरीके का केंद्र खोलने का। तो जो डीजीआर है, डीजी रिसेटलमेंट है, उन्होंने इसके ऊपर बकायदा एसओपी भी जारी किया है, उसको आपको मैं दिखाऊंगा अभी, और उसमें जो फॉर्म्स वगैरह हैं उसके बारे में भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों कि डीजी रिसेटलमेंट का जो एसओपी है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपको क्या होना जरूरी है उसको प्राप्त करने के लिए। आपको कोई भी फैसिलिटी आज तक डीजीआर से लिया हुआ नहीं होना चाहिए, और आपको जो है कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में आकर के जॉब करने लग गए तो आपको वो नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपको जनऔषधि केंद्र मिल जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको वो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपने सबमिट करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है जो आगे आपको मैं दिखा रहा हूं, पीपीओ, आपका पीपीओ का कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ईएसएम आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी, डिस्चार्ज बुक की जरूरत पड़ेगी, एक एफिडेविट है जिसका फॉर्मेट उस एसओपी में ही दिया हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा, और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और इसमें 2,00,000 रुपए तक का विशेष मुआवजे का भी प्रावधान है। चलिए मैं आपको जो डीजीआर ने एसओपी जारी किया है वो एसओपी दिखाता हूं, और उसमें कुछ फॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो एसओपी देख पा रहे हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो स्पेशली एक्स सर्विसमैन्स के लिए जारी किया गया है दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना के तहत जो जनऔषधि केंद्र अगर किसी को खोलना है तो उसके लिए ये एसओपी है दोस्तों। इसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं है उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों आप सबको बता दूं, जो लेडीज होती है, हमारी जो वीर नारियां होती हैं या दिव्यांग होते हैं या एससी एसटी जो होते हैं, उनके लिए अलग से 2,00,000 रुपए का इंसेंटिव देने की भी यहां बात की गई है, यानी कि आपका जो दवाई का कलेक्शन होगा उसमें 2,00,000 रुपए का हर कलेक्शन में 15% करके जो है माफी दी जाएगी, छूट दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है पूर्व सैनिक और वीर नारियों के लिए। अब दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस एसओपी में दिया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं क्या क्या कागज आपने उसके लिए लगाना है अप्लाई करने के लिए, सारी चीजें, प्रोसीजर क्या है इसका अप्लाई करने का, सब कुछ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका एसओपी को और जो फॉर्म है उसको और एडवर्टाइजमेंट जो है वो सभी चीजें मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का लिंक डाल दूंगा। अब ये रहा उसका एडवर्टाइजमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं, और जो फॉर्म है जिस फॉर्म को आपने फिलअप करके भेजना है ये वो फॉर्म है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डाउनलोड करने के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी पूर्व सैनिक या जो भी वीर नारियां
इसको पाने के लिए इलिजिबल है या इसको करने के लिए इच्छुक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को ये बोला था कि और अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, तो इसके तहत अभी पूर्व सैनिकों के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए और जो वीर नारियां हैं उनके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एक अच्छा मौका हो सकता है अपने रीसेटलमेंट के लिए, अपने जिंदगी को अच्छी तरह से आगे चलाने के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है एमएसईपी का डेट चेंज का फायदा। अब दोस्तों एमएसईपी का जो डेट चेंज का मैंने पिछली बार वीडियो जारी किया था जो पहले सितंबर 2008 से लागू था, लेकिन 2018 में एक आदेश माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से पारित कर दिया गया था जिसमें उस डेट को चेंज करके 1 जनवरी 2006 किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूं जिस कमेंट में जो कमेंट करता है उन्होंने ये बोला है, देखिए श्रीमान 25 जुलाई 2018 के लेटर के पत्र संख्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, अतः डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पत्र की कॉपी डालने की का कष्ट करें। मैं नवंबर 2016 में सुबेदार रैंक से रिटायर हुआ हूं। मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेटर का भी लिंक डालूंगा और जितने एसओपी वगैरह मैंने बताए उन सभी के लिंक डाल दूंगा, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे दोस्तों, मुझे 2008 से हवलदार रैंक में एमएससीपी मिला था, अगर 2018 में ये नई पॉलिसी आई है तो शायद मुझे भी डेट बैक डेट यानी कि 2006 से एमएससीपी मिलनी चाहिए। कृपया इस लेटर की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल। अब यहाँ पर जो पेंशनर ने कहा है कि उनको सितंबर 2008 से एमएससीपी दिया गया था, यानी कि पहले एमएससीपी शुरू हुआ था सितंबर 2008 से, इसलिए उनको सितंबर 2008 में दिया गया था, लेकिन उनका लागू का डेट उससे पहले का था, लेकिन इफेक्टिव डेट सितंबर होने की वजह से उनको सितंबर 2008 से दिया गया था। अब इस आदेश के पारित हो जाने के बाद, इस आदेश के लागू हो जाने के बाद 1 जनवरी 2006 से इन पेंशनर को भी इसका फायदा मिलेगा, तो इनको कार्रवाई कराना पड़ेगा, अपने रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर लिखना पड़ेगा ताकि उनको जो उनका डेट है एमएससीपी का वो 1 सितंबर 2008 के बजाय 1 जनवरी 2006 में परिवर्तित हो जाए और लगभग 2.5 साल का उनको फायदा मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट में एरियर आ सकता है। दोस्तों अगला एक मैसेज है, जैसे आप देख पा रहे हैं टीएस नायक 17 ईयर सर्विस रिटायर्ड 1997 हवलदार की पेंशन मिलेगी क्या। अब दोस्तों ये उसी वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है, सवाल किया है, यानी कि एमएससीपी के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों आप सबको क्लियरली फिर से मैं बता दूं, एमएससीपी जो स्कीम है वो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जो सर्विस में थे या उसके बाद जो रिटायर हुए हैं उन्हीं के लिए लागू है। 1 जनवरी 2006 से पुराने जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए एमएससीपी का फायदा लागू नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।